छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। धान का कटोरा कहे जाने वाले इस सूबे में सियासी घमासान है। 15 साल से राज कर रही बीजेपी जहां सत्ता बरकरार रखने के लिए सियासी दांव चल रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। और न्यूज नेशन छत्तीसगढ़ के वोटरों का मिजाज जानने की कोशिश कर रहा है। हमारी टीम रायपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा से होते हुए अब आ पहुंची है छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव। कोंडा गांव में दाखिल होते ही आपको यहां की सांस्कृतिक विरासत और यहां के लोगों के हुनर की झलक मिल जाती है। आपकी नजरें जा टिकती हैं देवी देवताओं की मूर्तियों पर, जिन्हें यहां के लोगों ने बेहद करीने से संवारा है, और उनके इस हुनर की गूंज इस छोटे से गांव से निकलकर पूरे देश में सुनाई देती है। एक शहर जिसके हुनर ने उसको पूरे राज्य की एक पहचान बना दी, और वो हुनर जो उसको पूरे देश में राज्य की पहचान के तौर पर जाने जाने लगा। हम बात कर रहे हैं कोंडा के गढ़वा आर्ट की। कोंडा गांव जहां की बनी शिल्प आज छत्तीसगढ़ की पहचान कहलाती है, लेकिन इस हुनर के बदले उन शिल्पियों को विकास की इस दौड़ में क्या मिला? राजनीति ने कोंडा गांव को क्या दिया? विकास के मायने कोंडा गांव में आकर क्या हो गए? चलिए देखते हैं सत्ता के सेमीफाइनल में इस बार कोंडा गांव की कहानी। लेकिन फिलहाल शिल्प सिटी के नाम से मशहूर कोंडा गांव का सियासी तापमान कुछ बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ के सबसे नए जिले कोंडा गांव की पहचान शिल्प सिटी के तौर पर होती है। यहाँ के घड़वा शिल्प की पहचान छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों और विदेशों तक है। कोंडा गांव जगदलपुर शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर है। कोंडा गांव 24 जनवरी 2012 को बस्तर जिले से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य के 27वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। कोंडा गांव जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, कोंडा गांव और केशकाल। दोनों विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। साल 2013 के आम चुनावों में दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को कामयाबी मिली थी। जिले की एक बड़ी आबादी गांवों में रहती है। ये जिला छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर पर है। यहां के लोगों को इस बात से बड़ी राहत मिलती है कि अभी तक नक्सली अपना जाल इस इलाके तक नहीं फैला सके हैं। छत्तीसगढ़ में विकास के दावों पर कोंडा गांव कहां ठहरता है और शासन से लोगों की क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए हमने छिपावन गांव के लोगों से बातचीत की। कोंडा गांव में हम इस वक्त हैं छिपावन। ये एक बड़ा गांव है। अगर हम इसको देखते हैं, कोंडा गांव का कुछ हिस्सा जरूर नक्सल प्रभावित है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा ये उस तरफ है जो उड़ीसा से लगता है, और यहाँ कोई नक्सल प्रभाव नहीं। यहाँ अगर आपको दिखेगा एक छोटे से होटल में जो अक्सर गांव में होता है, वहाँ बैठे हुए चाय पीते हुए लोगों से अगर हम बातचीत करके समझने की कोशिश करें कि आखिर उनकी नज़र में सरकार और सरकार के काम किस तरफ हैं या आने वाले समय में वो क्या देखते हैं। छिपावन को अगर आसपास के लोग कहते हैं तो किस तरह से याद करते हैं? गांव की खूबी सर क्या है, ये आसपास का चौक ग्राम है और सभी लोग का आना जाना यहीं से गुजर के जाते हैं। अब जो रोजगार कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, जो अब बाकी बच्चे लोग हैं पढ़े लिखे हैं उनके लिए रोजगार मारा मरी है। आपको लगता है कि मिल रहा है रोजगार युवाओं को या अभी कमी है उसमें? थोड़ी बहुत मिल रहा है, मतलब थोड़ा रोज मिल रहा है। अभी तक तो हमने नेताजी को जिस दिन से इलेक्शन जीते हैं ना, उस दिन से 5 साल में एक ही बार देखे हैं। जो छिपावन का मेला था उस दिन फूल माला पहनने के लिए जरूर आए थे। वहीं छिपावन की महिला सरपंच ने दावा किया कि इलाके में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है और बदलते वक्त के साथ वो हर जगह अपनी सशक्त मौजूदगी दर्ज करा रही है। सर, महिलाओं के लिए मैं आगे आने के लिए बहुत प्रेरित किया। जैसे कि महिलाएं पहले ग्राम पंचायत होता था तो सरपंच कोई महिला बन जाती तो उनका वो महिला काम नहीं कर पाते, उनके पति कर पाते, तो मैं ना एक आत्मनिर्भर बनकर स्वयं काम कर रही हूँ और महिला को आगे आने के लिए प्रेरित कर रही हूँ। कोंडा गांव से अभी कांग्रेस के मोहन मरकाम विधायक हैं। उनका मुकाबला 2 बार मंत्री रह चुकी बीजेपी की लता उसेंडी से है। बीजेपी खेमे के लोग विकास की रमन सरकार के दावों को सच बता रहे हैं और उनकी जुबान पर बस वाहवाही के बोल ही हैं। हमारा मुद्दा यहाँ पर विकास का है। हमने यहाँ पर विकास किया है। रमन सिंह की सरकार जब से यहाँ पर आई है छत्तीसगढ़ में, जब से उन्होंने कमान संभाली हुई है, तब से दिन प्रतिदिन छत्तीसगढ़ का विकास होता जा रहा है और इस क्षेत्र का भी विकास बराबर हो रहा है। रोजगार मिल रहा है, बराबर रोजगार मिल रहा है लोग। युवाओं को लगता है सरकार कुछ काम कर रही है? हाँ, बराबर का कर रही है, बराबर काम। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कोंडा गांव में अब तक हुए विकास के लिए मौजूदा विधायक की पीठ थपथपाई। मैं जब बताना चाहूंगा 2003 में भाजपा के पास कौन सा चेहरा था,
जिसके दम पे वो चुनाव लड़ी थी, एक एंटी इनकम्बेंसी थी। भाजपा 2003 में आई, रमन सिंह को उन्होंने मुख्यमंत्री घोषित किया, सरकार हमारी बनेगी, जो अच्छा लीडर होगा सारे विधायक दल मिलके उसको मुख्यमंत्री चुनेंगे। रेल के लिए मैंने कभी तो देखा नहीं, आप लोगों ने कभी कोई धरना तो दिया? हमने प्रयास किया, धरना नहीं दिया, धरना दिया है हमने, हस्ताक्षर अभियान चला के रेल के लिए बहुत सारी हस्ताक्षर अभियान का चलाया है। किसी भी बड़े शहर की शॉपिंग मॉल्स में आपको कोंडागांव की बनी मूर्तियां और सामान देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस शिल्पकला को आकार देने वाले कारीगरों के हाल क्या हैं, ये जानने के लिए हमने गांव में दस्तक दी। घड़वा आदिवासियों के नाम पर ही यहाँ की शिल्पकला को घड़वा शिल्पकला कहा जाता है। कुछ हाथों ने कच्ची झोपड़ियों और घरों से निकलकर एक आर्ट को जन्म दिया, वो आर्ट पूरे प्रदेश की पहचान बन गई और उसी आर्ट से उस पूरे प्रदेश को जाना जाने लगा। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ी आर्ट या फिर बस्तर की उस आर्ट की, जिसको देने वाले गढ़वा जाति के लोग, और ये आर्ट पहले गढ़वा आर्ट कहलाई। झोपड़ी नुमा घर में फैले सामान को देखकर आपको ये एहसास जरूर हो जाता है कि ये हुनरमंद मेहनत कशों का इलाका है। यहाँ के कई परिवार धड़वा शिल्प के कारोबार में कई पीढ़ियां खपा चुके हैं। घरों में छोटे छोटे कारखाने चलाने वाले इन लोगों से बात करने पर पता चला कि उनसे ये सामान किलो के भाव में खरीदा जाता है और फिर उन्हें ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता है। इन सामानों को गढ़ने वाले इन कारीगरों की हालत सालों से जस की तस है, उन्हें शासन से कोई भी मदद नहीं मिलती। हाथों का हुनर, सदियों की मेहनत और फिर एक कला का जन्म। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ी आर्ट की, तो वो पूरी दुनिया में यही वो हाथ हैं जो इस कला को लेकर बाहर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते हैं। ये वो कला है जो सदियों से परिवार में आती है और परिवार से ही अपने आने वाली पीढ़ी को बुजुर्ग सौंपते हुए चले जाते हैं। बस्तर की जिस आर्ट की दुनिया चर्चा करती है, हम इस वक्त उस कोंडा गाँव में हैं जिस के अलावा ये आर्ट कहीं नहीं मानी जाती। इसी को शिल्प नगरी कहा जाता है। अगर कहीं कोई बना रहा है तो वो छोटे लेवल पर है, लेकिन हम यहाँ इन लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किस तरह का धंधा है, क्या इससे इनको फायदा होता है, क्या ये अपनी जिंदगी आसानी से गुजर कर रहे हैं और उतार चढ़ाव कितने हैं। नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र बेसरा है। महेंद्र बाबू, ये धंधा आपके हाथ में कैसे आया, ये हुनर आपको कैसे मिला? अपना क्या है, खानदानी है, जैसा अपना दादा परदादा सब किए हैं, अपने पिताजी, वो देख देख के हम लोग भी ये सीखे हैं काम। अच्छा, ये काम सीखे जी? अच्छा, पढ़ाई की है? हाँ, पढ़ाई की है, कम की है पढ़ाई, आठवीं तक की है। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे आगे पढ़ते हैं? पढ़ रहे हैं अभी अपने बच्चे लोग, हर काम ये सीखते हैं कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा। अच्छा, इसका कितना बदलाव आया, ये जो डिजाइन से लेके तमाम चीजों में, इस आर्ट में कोई बदलाव आया है पिछले सदियों से? हाँ, बदलाव आया है। पहले क्या है, हाथी घोड़ा मूर्ति जो देवी का सामान है इस चीज बनाते थे, अभी क्या है जैसा देख देख के, मतलब कोई जो भी कोई जिनको कोई दूसरा सामान चाहिए, यूज आइटम चाहिए, ये सब हम लोग बनाते हैं। जैसे कि पहले छोटा छोटा पीस बनता था, अभी वही चीज 5 फीट 4 फीट में बनता है। अच्छा, आर्ट भी आदिवासी है और आप बना भी रहे हैं। हाँ। ये सबसे ज्यादा मैंने देखा बाहर, बहुत सब जगह है, दिल्ली में भी है कहीं तो है। आपने सबसे पहली क्या चीज बनाई थी? हाँ, मैं सबसे फर्स्ट में, मतलब मेरा छोटा सा मैं उम्र था उस समय से, मैं मतलब वही देवी वाला सामान, देवी वाला सामान, देवी हाथी घोड़ा मूर्ति छोटा छोटा यही हिसाब से बनाता था। कितने साल पहले बनाया था आपने? मैं लगभग 13-14 साल। घड़वा शिल्प को बनाने में काफी वक्त और मेहनत की जरूरत होती है। इन मूर्तियों को बनाने के लिए पहले काली मिट्टी और धान की भूसी को मिलाया जाता है और इसमें नदी किनारे मिलने वाली मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है। फिर मॉडल तैयार होने के बाद इसे पकाया जाता है और आखिर में घिसाई और फिनिशिंग टच देने के बाद आकर्षक मूर्तियां हमारे सामने होती हैं। आपका नया राज्य भी बना 18 साल पहले, उसमें क्या बदलाव आया आपकी जिंदगी? हम लोग तो सर पहले छोटे मोटे मूर्तियाँ बनाते थे, उसके बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट ने ऑफिस वगैरह डाले, तो डालने के बाद वो ऑफिसों में संचालन किए, हम लोग सामान वगैरह दिए, उसके बाद एक साल में एक या दो बार खरीदी होता है, उसके बाद होता ही नहीं खरीदी, तो हम लोग और नीचे होते जा रहे हैं। घड़वा आदिवासियों की हकीकत जानने के बाद हमने कोंडागांव में बन रही शिल्प सिटी की हकीकत देखी, जहां आधे अधूरे बने भवन खंडहर होने की कगार पर हैं।
पहले एक खूबसूरत सा नाम सोचा जाए, उसके बाद उस पर कोई नारा बनाया जाए और फिर नारों के साथ लोगों के पास जाया जाए। उस चीज का क्या हुआ जिसके लिए वो नाम सोचा गया था, उस शहर को कैसे बसाया जिसके लिए प्लान बना था, इस पर फिर कभी सोचेंगे। अगर ये बात आप कोंडा गांव में आकर सोचते हैं तो आपको कई बार ये सच दिखती है। हम शिल्प सिटी के इसमें सिर्फ जो क्राफ्ट ग्राम है, क्राफ्ट नगरी जो बनाई जानी थी, वो इस जगह आपको दिख रहा होगा कि किस तरह ये नगरी बनकर तैयार हुई है। अभी तक इसमें छतें नहीं पड़ी हैं, आवारा जानवर इसके अंदर घूम रहे हैं, कहीं गड्ढे हैं तो गड्ढों के पास कुछ और है और उस घास को चरते हुए आवारा जानवर आपको चारों तरफ दिख रहे हैं। सालों से पड़े इस प्रोजेक्ट के बारे में कई बार राजनेताओं ने वादे कर और इस पर कई सारी वाही वाही लूटी होगी, लेकिन अभी तक उसकी हकीकत क्या है ये इस मैदान से आपको समझ आ गई होगी। सियासी शोर के बीच कोंडागांव के एक निजी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पहुंचे, जहां पढ़ने वाले छात्रों ने जहां विकास के नारों को जुबानी जमा खर्च बताया, वहीं छात्राओं ने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पूरे इतिहास को पीछे धकेलते हुए अगर आगे की कोई इमारत बनाई जाती है तो वो युवाओं पर रखी जाती है। हम यहाँ बस्तर के इलाकों में घूमते हुए, ये एक इंस्टीट्यूट है जो कंप्यूटर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है, यानी बस्तर जिसकी दो ही चीज़ों पे चर्चा होती थी, या तो उसकी प्राकृतिक खूबसूरती या फिर नक्सल समस्या, अब बस्तर उससे आगे की तरफ देख रहा है और उसके लिए आपको इस तरह के युवा जो कंप्यूटर में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, हम इन्हीं लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके सपनों की मंजिल कहाँ है और वो राज्य को किस तरह देखते हैं। अच्छा, क्या है आपका सपना कि आप क्या करें? सर, बचपन से लेके अभी तक हमारा यही सपना है कि हम पढ़ लिख के अच्छी गवर्नमेंट जॉब कर सके। विकास विकास तो बस नाम बस का है, लेकिन कॉलेज में टीचर तो उपलब्ध नहीं है, कमी है जी, परेशानियां होती है सर, आसानी से नहीं निकल पाते महिला डर के मारे बाहर। कौन अच्छा लगता है बोलने से? मोदी 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 अच्छा लगता है। तुमको कौन अच्छा लगता है? मेरे को राहुल गांधी अच्छा लगता है। राहुल गांधी अच्छा लगता है। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बाद हम कोंडागांव के पीजी कॉलेज पहुंचे। कोंडागांव के इस सबसे बड़े कॉलेज में भी सुविधाओं का अभाव साफ तौर पर दिखा। हम इस समय शासकीय गुंडाधुर महाविद्यालय में हैं और हमारे साथ यहां प्रिंसिपल साहब हैं। जब ये जिला बना होगा तो आपको काफी उम्मीद हुई होगी कि काफी सुविधाएं मिलेंगी, तो वो कितनी पूरी हुई? हाँ, जिला बनने के बाद जिस उम्मीद से कॉलेज की जो विकास होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, मिली तो है, लेकिन उस ढंग से नहीं मिली जितनी होनी चाहिए। सत्ता के सेमीफाइनल के आखिरी पड़ाव में हम पहुंचे यहां के जिला चिकित्सालय में। नया जिला बनने के बाद यहां के लिए जिला चिकित्सालय की नई बिल्डिंग बनाई गई। इसके बनने से कितना फायदा हुआ होगा अगर हम कोंडा गाँव की बात करें तो? पब्लिक को तो बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि वहाँ जगह की कम पड़ जाता था, वहाँ 75 बेड था और हम लोग यहाँ 100 बेड काम कर रहे हैं और 100 बेड के हिसाब से ज़्यादा ही पेशेंट आते हैं यहाँ। कभी कभी तो हम लोग को फ्लोर बेड लगाना पड़ता है। लेकिन 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में लगे सिटीजन चार्टर बोर्ड की इबारत से यहाँ के हालात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अस्पताल में ना तो मशीनें हैं और ना ही अच्छे डॉक्टर। ये सामान्य सूचना, इस अस्पताल में बिस्तर नहीं है मालूम नहीं, चिकित्सक मालूम नहीं, स्टाफ नर्स मालूम नहीं, पैरामेडिकल मालूम नहीं, एम्बुलेंस मालूम नहीं, बाकी कक्ष क्या है वो नहीं है। इसके बाद फिर एक पूरी लंबी जानकारी है कि हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, आपको दिखेगा ये वो सीटी स्कैन है जो है ही नहीं। कोंडागांव जिले की ग्राउंड रिपोर्ट सत्ताधारी दल के लिए एक चुनौती है। देखना यह है कि शिल्प गांव के लोग सियासत का कौन सा शिल्प गढ़ रहे हैं और सीएम के तौर पर उनकी चेतना में कौन सी मूर्ति साकार हो रही है। रेल अभी पहुंची नहीं है, टीचर के आने की उम्मीद है, हॉस्पिटल में पद रिक्त हैं, शिल्पियों को जल्द ही उनका बेहतरी के लिए पैसा मिलना शुरू होगा और शिल्प ग्राम पूरा होगा। कोंडा गांव का ये था सच सत्ता के सेमीफाइनल में। चलिए अब चलते हैं मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी राजनांदगांव में, देखते हैं आखिर सत्ता के सेमीफाइनल में विकास के मायने मुख्यमंत्री की खुद की सीट पर क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ धीरेंद्र मुंडीर, न्यूज नेशन, कोंडा गांव, छत्तीसगढ़।